हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ज्योति ब्लॉग में आपका स्वागत है। और 7 बज गए हैं। कैसे देख रहे थे 7 बज चुके हैं और मेरा बाबू उठ गया है। ये देखिए, ये देख, इतनी देर ना हंसते हैं ये। हट बाबू, देखो। हेलो बोलो। मैं नहीं ले रही अभी मम्मा। और सुबह के 7 बज चुके हैं। बच्चे सब तैयार हो चुके हैं। ये देखो, ये तैयार हो गई लड़की, ये तैयार। राजगुरु नहीं जा रहा, वो बैठा हुआ है। आज इनके स्कूल में फंक्शन है तो इसलिए वो नहीं जा रहा। और सुबह का नाश्ता बन चुका है। नाश्ता में बना है पास्ता। पास्ता बन चुका है ये मेरा। और चाय रख गई है मेरी। चाय आ चुकी है और बाबू कह रहा है मेरे को ले लो। ये देखो देखो देखो, जबरदस्ती कर रहा लेने के लिए। जा ले लो मेरे को। ले तो ये बिगाड़ ले पहले ले। और चाय गिर जाएगी इस दिन की तरह फिर से। चाय फैल जाएगी खुद ही। उधर मत किया करो। मैं चाय पी लूं, मेरे को लग रही है सुबह सुबह से भूख। अब मैं और बाबू का भी दूध गरम करेंगे, फिर बाबू को पिलाएंगे निप्पल में दूध। बाबू बात करो तो भाई। डुग्गू बात करेंगे। डुग्गू बात करना चाहते हैं। डुग्गू कुछ कहना चाहते हैं भैया। रात में इसको फुल कपड़े पहनाने पड़ते हैं क्योंकि रात में एसी चलती है। ये मानता नहीं है, ओढ़ता भी नहीं है कुछ भी। चादर वगैरह डालो कंबल तो ये फेंक देता है, इसीलिए इसको फुल कपड़े पहनाने पड़ते हैं। देखो देखो, ये बहुत बिटेगा तो बहुत उधम मचाने लगा। अब चाय पी लेते हैं। अरे तो, चलो चाय पी। तेरा नहीं है। बच्चे चले स्कूल। जा रहे हैं स्कूल बच्चे। बच्चे चले गए स्कूल और मैं अब जा रही हूँ अपना काम वाम करूँ। देखूँ जाके, अभी सब्जी भी नहीं बनी है। सब्जी भी बनानी है मेरे को सवेरे सवेरे। इनका पास्ता ही बन पाया। ओहो ओहो, ये देखो। अब मैं इनका देख लूँ फिर। फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और टाइम चला है 11। ये देखिए 11 का टाइम हो रहा है। काम हो गया सारा कुछ, सब काम हो चुका है। मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बन रही है मेरी अभी। बच्चे आ जाएंगे करीब 2 बजे। और बाबू भी नहा चुका है। बाबू का भी उधर गया खेलने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। इतनी देर में मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर खा लेती हूँ, फिर वो आ जाएंगे। अब नहा लिया तो वो सोने के लिए करेगा। तो अभी तो 11:30 बजे हैं। आज जल्दी काम समट गया। चलो बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को बाद। 11:30 बजे हैं फ्रेंड्स, देखो। और ये मेरा खाना आ गया है, ये देखो। और डुग्गू ये देखो आ गए और सो गए आके। सो गए हैं और अब मैं खाना खा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सो नहीं रहा है बिल्कुल भी और ये मेरे को परेशान कर रहा है। इसने खाना भी नहीं मेरे को खाने दिया है और मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। और ये देखिए, इसको नींद आ रही है, ये देखो। और लेकिन लिटा लो तो ये जग जाता है। और
मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है और मैंने खाना उठा के रख दिया। अब बैठी हुई है, सो जाए सो सुलाओ तो सो रोने लगता है। आज पता नहीं क्यों रो रहा है। और ये देखिए, मैंने ना इसे मई बना रखी थी और अभी रखी हुई है, अभी खाने नहीं दे रहा मेरे को। बेर बेर उठ रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये सो जाए तब मैं खाऊं। 2:15 बजने वाले हैं, ये देखिए। और बाबू उठ चुका है और ऊधम मचा रहा है। ये देखिए, ये देखो ऊधम मचा रहा है ये लड़का। और अपनी नींद पूरी कर ली है, बाकी ये हमेशा करता है मेरे साथ। और वही अब खुद खेल रहा है और मेरे को नहीं चोने दे रहा है लड़का। डुगो ऊधम बहुत मचा रहा है। ये देखो। और खाना ना हो चुका था, खा लिया था मैंने, सो गए थे। तो बच्चे अब आने वाले हैं। शाम के 4:30 हो गए हैं और डुग्गू उड़ चुका है और ऊधम मचा रहा है ये लड़का। ये देखिए, ये ऊधम मचा रहा है लड़का। हंस के दिखा देते हैं, मैं तुम्हारी शिकायत बोलती हूँ तो। ये देखो, आ जाओ, गिर जाओगे। ऐसे नहीं, रुको, आ जाओ, आ। 4:30 हो गए हैं, बच्चे आ चुके थे 2 बजे, अब ये सारे सो रहे हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। 4:30 हो गए हैं, बोल रहे उठ जाओ, उठ नहीं रहे। फ्रेंड्स, हम लोग पार्क जा रहे हैं आज बाबू को लेने, वो लेके घुमाने के लिए। और बाबू चल रहा है मेरे साथ ही। आज मैंने सोचा चलो घुमा के लेके आते हैं इसको बाहर, थोड़ा खुश हो जाएगा वो भी। दिखाते हैं आप लोगों को, जा रहा है वो। वो देखो, वो जा रहा है। मुस्कान रोक लो, थोड़ा धीमे धीमे चलो। वो देख, डुगू बैठा हुआ आराम से नज़ारे देख रहा है। क्या हो गया? रोक क्यों दी? अब क्या आएगा? ये देख कैसा बैठा हुआ है आराम से। रोक दी से, चलो सॉरी सॉरी। रोकने नहीं चाहिए, चलनी चाहिए बस। थोड़ी देर घुमाएंगे पार्क, फिर आ जाएंगे घर पे। फ्रेंड्स, देखो हम लोग ना मामी के उनके घर पे आ गए। डुगू अपने मामी घर पर आ गया, पार्क में तो गए नहीं, डुगू सो गए, फिर यहाँ आ गए घर पे, भाभी के घर पर। अब वो अब खेल रहे हैं। लगे पड़े हैं सारे जने और वो खेल रहे हैं। और टाइम हो गया 6:30, ये देखिए। और अब यहीं पे खाना ना बनेगा, फिर खाना ना खा पी के तब जाएंगे अब घर पे। जाने नहीं दे रहे हैं, खाना खा के जाना। ठीक है, अब देखते हैं सब लोग आ जाएं यहाँ पे, फिर आप लोगों को सबसे मिलवाते हैं। ये देखो आ गए हैं सब, इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ भिंडी बजाने लगा हुआ है। ये देखिए, सारे भिंडी बजा रहे हैं। एक बड़ी भिंडी, मोटी भिंडी। एक भिंडी ये बैठा है, भिंडी छोटी भिंडी, बाबू भिंडी। कैसे करोगे? ये देखो डुगू रो रहा है, रात हो गई है। और बच गए हैं 8:30 और अभी हम लोग वहीं यही हैं। बाहर घुमा दो ना इसे, बाहर।
फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से निकल आए हैं और घर पे आ गए हैं और गए थे पार्क, पहुँच गए मामी के यहाँ घर पे, दुग्गू अपनी मामी के घर पे पहुँच गए। तो फिर अब वहीं पे फिर उन्होंने आने नहीं दिया खाना ना खा के, फिर तभी आए वहाँ से। तो पार्क तो मतलब जा ही नहीं पाए, डुगू पहुँचा वहाँ पे और मतलब सो गया। तो पार्क के पास ही है उनका घर, भाभी का घर, तो वहीं चले गए थे क्योंकि बाबू सो गया था। तो फिर उन्होंने आने नहीं दिया और बस अब घर पे ही हम लोग सारे लोग आ चुके हैं। ब्लॉग को बस अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।